हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टाइटेनियम एकेडमी के द्वारा सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवाई जाती है। आज हम लोग आए हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर से रिलेटेड है। यह अवार्ड का एक टॉपिक है जिसका नाम है बाफ्टा अवार्ड। ठीक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन एक क्वेश्चन आने की संभावना एकदम कन्फर्म रहता है। अवार्ड से क्वेश्चन देखिए, बेसिकली होता क्या है कि अवार्ड से आपको 5-6 क्वेश्चन देखने को मिलता है कोई भी एग्जाम में। ठीक है, अगर कोई भी आप एग्जाम देते हैं तो अवार्ड से लगभग वो 5 या 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, और ये उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जितना और भी। जैसे देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज और बता दूं आपको, देखिए कि करेंट अफेयर्स में आपको पढ़ना क्या है। जहां से आपको क्वेश्चन आता है तो करेंट अफेयर्स में आपको पढ़ना क्या है, देखिए एक टॉपिक में बता देता हूं पहले कि करेंट अफेयर्स में आपको कौन कौन टॉपिक देखने को मिलेगा एग्जाम में। देखिए, सबसे पहला जो है अवार्ड, अवार्ड से आपको एग्जाम में कम से कम 5 to 6 क्वेश्चन एकदम रहेगा। दूसरा है अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट से भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। उसके बाद है स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स से भी 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। उसके बाद है नेशनल, उसके बाद है इंटरनेशनल। और सिक्स्थ है बुक्स एंड ऑथर, बुक्स एंड ऑथर। ठीक है, इतना टॉपिक है जो एग्जाम में, इससे लगभग अगर इतना आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो अगर मान के चलिए 20 क्वेश्चन अगर आता है तो आप 15 क्वेश्चन एकदम कर लेंगे, और 50 क्वेश्चन जो कर लेता है वो टॉपर के लिस्ट में आ जाता है करंट अफेयर्स से। क्योंकि करंट अफेयर्स कोई इतना बड़ा विद्वान नहीं होता है कि जो 20 to 20 सही करके आए, 15 16 सभी लोग अगर जो टॉपर है वो करके आते हैं, तो आपको ट्राई करना है कि इतना हम कम से कम ठीक कर लें। ठीक है, तो अवार्ड्स में आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अवार्ड, अवार्ड को मान लीजिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो अवार्ड्स में कौन कौन जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, अवार्ड्स में हमको 5 या 6 टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। पहले कौन से टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे, बाफ्टा अवार्ड। ठीक है, बाफ्टा, बाफ्टा अवार्ड है। उसके बाद दूसरा आपको दिखेगा गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ठीक है, तीसरा आपको दिखेगा ऑस्कर अवार्ड, चौथा मिलेगा आपको ग्रैमी अवार्ड, और पांचवा जो है पद्म अवार्ड, और छठा जो है वो आपको दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ठीक है, तो अवार्ड से बेसिकली इसी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, उसके बाद फिर स्पोर्ट्स के अवार्ड है तो वो स्पोर्ट्स कैटेगरी में आएंगे, लेकिन अवार्ड्स को बेसिकली ये 6-7 टॉपिक है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना होती है, चाहे आप सीयूईटी दे रहे हो या फिर कोई और भी अदर स्टेट एंट्रेंस के एग्जामिनेशन देने वाले हो, या फिर कहीं का भी दे हो, DU LLB हो, BHU LLB हो, या फिर BA Arts हो, सोशल हो, कहीं पर भी हो, इसी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और अवार्ड से एकदम कन्फर्म रही है कि 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 75 बाफ्टा अवार्ड। ठीक है, एडिशन कितना है, 75th नंबर है। ठीक है, और एक चीज और मैं बता दूं कि बाफ्टा अवार्ड के बारे में जो मैं एग्जाम टू द पॉइंट रहेगा मैं वही बताने दूंगा, कहानी का अगर कोई फायदा नहीं है, क्यों दिया जाता है, किसे देना जरूरी है, क्यों नहीं दिया जाता, ये सारे डिस्कशन मैं नहीं करने वाला हूं। आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपको एग्जाम में मार्क्स चाहिए, आपको बस ये दिमाग में होना चाहिए कि हम कैसे इस क्वेश्चन को सही करके आए। इसके लिए ये कहानी सुनने की आदत नहीं, सुनाने की मुझे आदत नहीं है, उतना मैं डिटेल में आपको पढ़ाने वाला भी नहीं हूं, मैं बस उसी टॉपिक को बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में जहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो 75 बाफ्टा अवार्ड 2022 हुआ है। ठीक है, और ये हुआ पर कहां पर है, यूके के लंदन में। ठीक है, हल्का समय ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर दे रहा हूं कि जो बाफ्टा अवार्ड है ये ब्रिटिश और इंटरनेशनल, ब्रिटिश और इंटरनेशनल लेवल पे
जितने भी बेस्ट मूवी है, चाहे बेस्ट मूवी हो, बेस्ट एक्टर हो, बेस्ट डायरेक्टर हो, बेस्ट एक्ट्रेस सपोर्टिंग एक्ट्रेस हो, ये सारे को ये अवार्ड दिया जाता है। और ये कौन सा अवार्ड है, 75 एडिशन है, और ये कहां पर होता है, यूके के लंदन में, ठीक है। इसको होस्ट कौन किया था, तो होस्ट किए थे आपके रिवेल विल्सन, रिवेल विल्सन इसको होस्ट किए थे ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया के बारे में आ गया, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन आपको याद होगा, एक बार और मैं बता दूं, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है, कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया का करेंसी क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और ऑस्ट्रेलिया का पीएम कौन है, स्कॉट मॉरिसन है, करेंसी आपको बताना होगा, ठीक है। अब बाफ्टा अवार्ड को प्रेजेंट कौन करता है, तो बाफ्टा अवार्ड को प्रेजेंट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स / अवार्ड, ठीक है। तो बाफ्टा अवार्ड को कौन प्रेजेंट करता है, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स एंड अवार्ड। नेक्स्ट है बेस्ट फिल्म, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है द पावर ऑफ द डॉग को, द पावर ऑफ द डॉग। और इसके डायरेक्टर कौन है, इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, जेन कैंपियन, ठीक है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है द पावर ऑफ द डॉग को, जिसके डायरेक्टर कौन है, जेन कैंपियन है। बेस्ट आउटस्टैंडिंग फिल्म, बेस्ट आउटस्टैंडिंग फिल्म कौन है, बेलफास्ट, ठीक है। और बेलफास्ट के डायरेक्टर कौन है, बेलफास्ट के डायरेक्टर है केनेट ब्रानॉग, ठीक है, केनेट ब्रानॉग है। तो बेस्ट आउटस्टैंडिंग फिल्म का अवार्ड दिया गया बेलफास्ट को, जिसका डायरेक्टर है केनेट ब्रानॉग, स्पेलिंग है KENENTH ब्रानॉग। बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है विल स्मिथ को, ठीक है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, विल स्मिथ को, और किस मूवी के लिए, तो मूवी का नाम है किंग रिचर्ड्स, और इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, इस मूवी के डायरेक्टर है रिनाल्डो मार्कस ग्रीन, ठीक है। इस मूवी के डायरेक्टर है रिनाल्डो मार्कस ग्रीन, बेस्ट एक्टर है विल स्मिथ, मूवी है किंग रिचर्ड्स, इसके डायरेक्टर है रिनाल्डो मार्कस ग्रीन। अच्छा, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है, जुआना एस्केलेन, जुआना एस्केलेन को मिला है, और किस मूवी के लिए मिला है, तो इस मूवी का नाम है आफ्टर लव, बहुत अच्छी मूवी है आफ्टर लव, मूवी का नाम मैं बताया, अच्छा है, मूवी मैंने देखा नहीं हूं। और इसके जो डायरेक्टर है वो कौन है, इसके डायरेक्टर है अलीम खान, अलीम खान। बेस्ट एक्ट्रेस है जोआना स्केलेन, मूवी है आफ्टर लव, डायरेक्टर है अलीम खान। देखिए कुछ कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, लेकिन अगर आप जैसे जोआना है तो जोआना में एक ए होता है, मैंने डबल ए लिख दिया, तो इसे कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या सकते हैं, आपको अगर नाम याद होगा तो आप एग्जाम में आपको एमसीक्यू फॉर्म में मिलेगा और आप अच्छे से उसको टैकल कर सकते हैं। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है, तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है जेन कैंपियन को, ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड किसको मिला है, जेन कैंपियन को, किस मूवी के लिए, तो मैंने पहले ही बताया पावर ऑफ द डॉग, द पावर ऑफ द डॉग। नेक्स्ट है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कौन है, ट्रॉय कॉटसूर, ट्रॉय कॉटसूर किस मूवी के लिए, तो मूवी का नाम है कोडा, ठीक है। और इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, इस मूवी के डायरेक्टर है सियान हेडर, ठीक है।
बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कौन है? ट्रॉय कोटसुर है, मूवी है कोडा और इसके डायरेक्टर है सियान हेडर। देखिए जितना भी मैं बता रहा हूं ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 10 मिनट में आप 10 15 एक घंटा या आधा घंटा 45 मिनट इसको देंगे तो आपको याद हो जाएगा। और 10 मिनट का वीडियो 15 मिनट का वीडियो है ये, और 10 से 15 मिनट आपको एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको आंसर मिल जाता है तो कितनी खुशी की बात है, ठीक है। और अवार्ड से एकदम एग्जाम में क्वेश्चन रहता ही रहता है, और बाप्टा अवार्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आता है, तो आपको याद रख लेना है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कौन है? आरियाना डिबोस। किस मूवी से है ये? तो मूवी का नाम है वेस्ट साइड स्टोरी, और इसके डायरेक्टर कौन है वेस्ट साइड स्टोरी का? इसके डायरेक्टर है स्टीवन स्पीलबर्ग, स्पीलबर्ग, ठीक है। बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म, बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कौन है? ड्राइव माय कार। और ड्राइव माय कार जो है वो किस लैंग्वेज में है? ये लैंग्वेज है जापानीज, और ये लैंग्वेज है। और इसका डायरेक्टर कौन है इस मूवी का? बहुत अच्छा नाम है, न्यू सूरा होमागुची, होमा गुची, न्यू सूरा होमा गुची। तो बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म है, फिल्म का नाम है ड्राइव माई कार, लैंग्वेज है इसका जापानी, जो इसके डायरेक्टर कौन है? न्यू सूरा होमा गुची। एक चीज और मैं बता दूं कि अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितने भी एस्पिरेंट है उनके समक्ष ये वीडियो को प्लीज शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चे को ये वीडियो पहुंच सके। और वीडियो को जितना लाइक कीजिएगा उतने मेरे लिए सपोर्ट मिलता है, ठीक है, खुद को मतलब अच्छा अप्रिशिएट फील होता है। इस कारण से वीडियो को जितना ज्यादा लाइक करिए, और नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और इस चीज का जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका आपको पीडीएफ कमेंट बॉक्स में पिनअप कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में पिनअप कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक से आप डेली करेंट अफेयर्स या फिर कोई भी नोटिफिकेशन होगा जो करेंट जो वीडियो के माध्यम से नहीं दिया जा सकता है या फिर किसी चीज का नोटिफिकेशन आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, और वहां से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। बेस्ट एनिमेटेड मूवी है, बेस्ट एनिमेटेड मूवी का बात करें तो यह इनकैंटो, और इसके डायरेक्टर कौन है? इसके दो डायरेक्टर है, पहला कौन है? तो बायरून हावार्ड, और दूसरा कौन है? जेयर्ड बुश। बायरून हावार्ड और जेयर्ड बुश दो दो इसके दो डायरेक्टर है, ठीक है। बेस्ट ब्रिटिश शॉर्ट फिल्म का बात किया जाए तो बेस्ट ब्रिटिश शॉर्ट फिल्म कौन है? तो इसका नाम है द ब्लैक कॉप, द ब्लैक कॉप, और इसके जो डायरेक्टर हैं वो है चेरी सोटेका। कौन है? चेरी सोटेका, ठीक है, चेरी सोटेका। बेस्ट ब्रिटिश शॉर्ट फिल्म द ब्लैक कॉप, डायरेक्टर है चेरी सोटेका। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी समर शोल, कौन है? समर सोल, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्री मूवी कौन है? समर सोल। एक सेकंड मैं जरा पानी पी लूं। ठीक है, तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री क्या है? समर सोल है, और इसके डायरेक्टर कौन है? इसके डायरेक्टर है अहमीर थॉम्पसन, ठीक है। तो ये रहा बाप्टा वार्ड है, बाप्टा वार्ड में इस बाप्टा वार्ड में पूरा ओवरऑल मैंने समझा दिया, एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल कर देता हूं। ठीक है, तो 75 बाप्टा अवार्ड जो है ये यूके लंदन में हुआ है, इसको होस्ट किया रिबेल विल्सन, ऑस्ट्रेलिया के हैं।
प्रेजेंटेड किया गया ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स एंड अवार्ड के द्वारा। बेस्ट फिल्म है द पावर ऑफ द डॉग, जिसके डायरेक्टर है जेन कैंपियन। बेस्ट आउटस्टैंडिंग फिल्म है बेलफास्ट, बेलफास्ट के डायरेक्टर है केनेट बर्नोग है। बेस्ट एक्टर है विल स्मिथ, जिसके मूवी का नाम है किंग रिचर्ड्स और डायरेक्टर है रिनाल्डो मार्कस ग्रीन। बेस्ट एक्ट्रेस है जोआना स्केलन, मूवी है आफ्टर लव, इसके डायरेक्टर है अलीन खान। बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड है जेन कैंपियन पावर ऑफ द डॉग। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कौन है, ट्रॉय कॉटसूर, ठीक है, किस मूवी के लिए, कोडा, और इसके डायरेक्टर कौन है, सियान हेडर। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अरियाना डिवॉस, किस मूवी के लिए है, वेस्ट साइड स्टोरी, और वेस्ट साइड स्टोरी के डायरेक्टर कौन है, स्टीवन स्पीलबर्ग। बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म ड्राई माई कार, ड्राई माई कार के डायरेक्टर कौन है, न्यू सुरा होमागुची, और किस लैंग्वेज का मूवी है, जापानीज। बेस्ट एनिमेटेड मूवी इनकेंटो, इनकेंटो के दो डायरेक्टर है कौन कौन है, बायरन हवार्ड और जेड बूस। बेस्ट ब्रिटिश शॉर्ट फिल्म कौन है, द ब्लैक कॉप, द ब्लैक कॉप के डायरेक्टर कौन है, चेरिस ओटेका। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी की बात करें तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी है समर सोल, और समर सोल के डायरेक्टर कौन है, अहमीर थॉमसन। तो ये रहा आज का पूरा बाफ्टा अवार्ड कंप्लीट हो गया, और बाफ्टा अवार्ड का इसके बाद हम लोग गोल्डन ग्लोब अवार्ड शायद पढ़े, ठीक है, या फिर हाँ इसके बाद हम लोग गोल्डन ग्लोब अवार्ड, उसके बाद ऑस्कर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो के पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।